वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारत के इन 5 खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। भारत अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। एशिया कप 2022 में भारत के खराब परफॉर्मेंस के कई कारण सामने आए थे, जिससे एक था एक मजबूत प्लेइंग 11 का ना होना। टीम में लगातार होते बदलाव के चलते कप्तान रोहित शर्मा एक फिक्स प्लेइंग 11 बनाने में नाकाम रहे। 12 सितंबर को वर्ल्ड कप की टीम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा हुई। कुछ खिलाड़ियों ने चोट से हुई रिकवरी के बाद टीम में वापसी की। वहीं कुछ खिलाड़ियों को टीम में शामिल न करने को लेकर BCCI की आलोचना भी हुई। इन सब के बावजूद अब 15 सदस्यीय T20 वर्ल्ड कप टीम हमारे सामने है। साथ ही 4 खिलाड़ियों को रिजर्व प्लेयर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की T20 घरेलू सीरीज 20 सितंबर से शुरू हो रही है। इस सीरीज में खिलाड़ियों का प्रदर्शन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम जानेंगे कि कौन से वो 5 खिलाड़ी हैं जिनके ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का परफॉर्मेंस पर सबकी नजर रहने वाली है। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट का फॉर्म में लौटना इंडियन टीम के लिए अच्छी खबर है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो विराट सिर्फ वन मैच वंडर बनकर रह जाए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत T20 सीरीज में उनके परफॉर्मेंस पर भी सबकी नजर होगी। जाहिर है उनके शतक के बाद टीम और फैंस की भी उनसे उम्मीदें बढ़ गई होंगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक खेले गए 19 T20 इंटरनेशनल मैचों में विराट कोहली का एवरेज 59.83 का रहा है। वहीं स्ट्राइक रेट 146.23 का है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने 22 छक्के और 55 चौके लगाए हैं। जसप्रीत बुमराह जुलाई में हुई बैक इंजरी के चलते बुमराह रिहेब में थे। अपना फिटनेस टेस्ट पास कर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह बना ली है। साथ ही आज से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में भी आप बुमराह को खेलते हुए देख सकते हैं। एशिया कप में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, ऐसे में बुमराह से अब बहुत उम्मीदें होंगी। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के पास 140 प्लस की गति से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों के बहुत कम विकल्प मौजूद है। बुमराह उनमें से एक है। 72 दिन बाद ये खिलाड़ी वापसी कर रहा है। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप से पहले यह सीरीज बुमराह के लिए फॉर्म में लौटने का एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। वहीं शुरुआती ओवरों के साथ डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करते हैं। उनकी अगुवाई में भारत की पेस बैटरी लगाकर अच्छा प्रदर्शन करती आई है। KL राहुल, भारत के सलामी बल्लेबाज KL राहुल ने एशिया कप 2022 में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। 5 मैचों में उन्होंने 26.40 के औसत से 132 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 122.22 का रहा। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में राहुल ने सीरीज का अपना सर्वाधिक स्कोर किया, जो 62 रन था। सलामी बल्लेबाज के तौर पर कम बॉल में अधिक स्कोर करने का प्रयास करना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन एशिया कप 2022 में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद आगामी T20 वर्ल्ड कप में उनके फॉर्म को लेकर संयम बना हुआ है। एशिया कप 2022 में रही खामियों में से एक मुख्य खामी थी टीम इंडिया का फ्लॉप टॉप ऑर्डर होना। अब देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज के लिए सिलेक्टर्स का राहुल पर लगाया दांव ठीक रहता है या राहुल फिर एक बार टीम और फैंस दोनों को निराश करते हैं। ऋषभ पंत, टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को T20 में लगातार मौके मिल रहे हैं। एक तरफ जहां पंत ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन कर अपना सिक्का जमाया, वहीं दूसरी तरफ T20 में उनका प्रदर्शन उसके एकदम उल्टा था। टेस्ट मैचों में जहां ये खिलाड़ी 43.32 की शानदार औसत से रन बनाते हैं, तो वहीं T20 में ये घटकर 23.94 का हो जाता है। वहीं क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में पंत का स्ट्राइक रेट 126.21 का रहा। उनके चयन की एक वजह उनका बायां हाथ का बल्लेबाज होना भी है। इस समय टीम इंडिया के पास टॉप और मिडिल ऑर्डर में भी कोई भी प्रभावशाली बायां हाथ के बल्लेबाज का विकल्प मौजूद नहीं है, इसलिए पंत को ज्यादा मौके मिल रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज ऋषभ के लिए काफी अहम। हर्षल पटेल, टीम इंडिया के ऑलराउंडर हर्षल पटेल फिटनेस टेस्ट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्हें 15 सदस्यीय टीम में मौका मिला। हर्षल ने अब तक केवल 17 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में क्या वो रिकवरी के बाद अच्छी वापसी करेंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि चोटिल होने के पहले हर्षल जबरदस्त फॉर्म में थे। डेब्यू के बाद से ही वे भारत के लिए डेथ ओवर गेंदबाज के रूप में सामने आए। 2022 में उन्होंने 15 T20 में 8.76 की इकोनॉमी रेट से 19 विकेट लिए। इस अवधि में भारत के लिए केवल भुवनेश्वर ने उनसे अधिक 10 मैच में 20 विकेट हासिल किए थे। वहीं हर्षल ने IPL के पिछले 2 सीजन में भी कमाल की गेंदबाजी की थी। उन्होंने IPL 2021 में 15 मैच में 32 विकेट झटके और पर्पल केप जीती थी। इस साल IPL में हर्षल ने 15 मैच में 19 विकेट लिए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेड ओवर गेंदबाज के रूप में हर्षल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप के किन किन खिलाड़ियों को फॉर्म में रहना जरूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें और बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।